शिवेश्वर वंद सत्तिक अभी फोटो हो गया तो गाइस मेरा दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ और मैं फर्स्ट टाइम आई थी। अभी देख के ऐसा यहाँ बैठ के ना गांव वाली फीलिंग आ रही। दिखा दूँ, देखो ये कितना सुंदर झाड़ है और झाड़ के पास मैं बैठी हूँ, तो ऐसा लग रहा गांव में बैठे हैं। आज का मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है बिकॉज के काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर शूट किए हैं और पार्ट वन पार्ट टू ऐसे बनाऊंगी मैं, क्योंकि आप भी देखने में मैं जो है ऐसा ना हो गया नहीं कब दर्शन में बोले ना कि है ना। तो देखिए कितनी मस्त हवा आ रही है। तो फाइनली अभी यहाँ ऊपर मंदिर का दर्शन कंप्लीट हुआ और क्योंकि मैं सुबह से निकली हूँ तो फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी लो है और आगे तो यहाँ और कोई मंदिर है नहीं, पर मंदिर मिलेगा तो जरूर आपको पता मैं वीडियो बनाऊँ। तो फिलहाल ये अमरनाथ में है शिव मंदिर, बहुत प्राचीन है, 1000 साल पुराना मंदिर है लोग ऐसा बोलते हैं। और इतनी गर्दी थी और मुझे लगा कि मतलब शायद दर्शन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतने सुंदर से दर्शन हुए और इतने अच्छे से मतलब मैं वहाँ से सब कंप्लीट करके यहाँ आई हूँ और देखो यहाँ बैठी हूँ भी गांव वाली फीलिंग ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ के सारे दर्शन जितने भी भगवान थे, माता जी थी, शीतला माता थी, सबका दर्शन हो गया। अभी यहाँ 2 मिनट में आराम करूँगी और उसके बाद फिर निकलूँगी घर के लिए। तो रास्ते में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, पता नहीं बारिश रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं क्या। फ़िलहाल दर्शन का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है और आगे अगर मुझे लगा कहीं तो मैं वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो फिर बाय। हर हर महादेव। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और रास्ते में थोड़ी बारिश मिल गई तो इसलिए मैंने वहाँ से निकलने तक का वीडियो नहीं बनाया। और आज पूरा दिन बहुत अमेजिंग रहा, मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैंने बहुत सारी मालाएं की वहाँ मंदिर में बैठ के। तो आज का ब्लॉग तो अब कंप्लीट है और नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉग में फिर कब मुलाकात होती है, क्योंकि एक्चुअली बोलती तो मैं हुई और जब मैंने अपना ब्लॉग चैनल ओपन किया था तभी भी मैं सोची थी कि मैं ब्लॉग के ज़रिए कंटिन्यू रहूँगी, बट ये वैसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। बट मुझे मालूम है मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरी प्रॉब्लम समझते हैं। अभी सावन ख़त्म होने वाला है और तब तक बस मंदिरों के दर्शन करने हैं, पूजा करना है, भक्ति करना है। आप लोगों को भी जितना टाइम मिल सके उतना करने का मतलब ही ऐसा नहीं है कि आप लोग काम छोड़ के भक्ति करिए, मैं भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि डे 1 से जब से सावन स्टार्ट हुआ तभी से मैंने प्लानिंग किया था कि मैं एवरी मंडे एक मंदिर जाऊंगी भोलेनाथ के और वहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगी, बट ये हो नहीं पाया भोलेनाथ की कृपा से। फर्स्ट मंडे ही मेरा शूट आ गया और मैं चली गई, शूट का वीडियो भी मैंने बनाया था। तो काम करिए, काम करने के बाद जो टाइम मिलता है
वो भगवान का शुक्रिया अदा करिए। मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं भक्ति में चली गई, मैं सिर्फ भक्ति का वीडियो डालती हूँ, सिर्फ भगवान का वीडियो डालती हूँ, माता जी का नहीं, मतलब काम का नहीं डालती हूँ, हमेशा माता जी प्रभु जी। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मुझे जो कुछ भी मिला है वो सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो है माता रानी का है, उसके बाद मेरी मेहनत है, उसके बाद आप लोगों का प्यार है, ठीक है। तो मैं इसके ज़रिए माता रानी का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि जो कुछ भी मिला है मुझे माता रानी के आशीर्वाद से मिला है। तो जब भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जो है हर किसी को करना चाहिए, है ना। तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बाय रोड ट्रैवलिंग की है और अमरनाथ बाय रोड, बाई गॉड, मतलब इतनी ट्रैफिक थी कि मेरा सर फट रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे जाने से पहले आपको टाटा बाय कर दूँ, ओके। तो चलिए, बाय बाय, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके।